आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ओके थैंक यू। तो आज कल हमने बेसिक सर डेफिनेशन बड़ी फास्ट डिक्शन की क्या है क्या नहीं है उसके बारे में छोटा सा मेथड भी देखा, स्टॉप फ्लो मेथड देखा। स्टॉप फ्लो मेथड में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फास्ट रिएक्शन वो है जो माइक्रो सेकेंड्स में होती है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मिलाते ही मिक्सिंग में जितना टाइम लगता है उससे भी कम टाइम रिएक्शन होने में लगता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट और वी मेजर द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन? क्योंकि सिंपल जो स्लो रिएक्शंस कहते हैं, जो जिनको अपन सिंपली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं जिनके बारे में, तो उनके लिए तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई उसके लिए एक सफिशियंट टाइम हमें मिलता है। हम वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द हाफ लाइफ। अपन हर एक रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालते हैं, हाफ लाइफ का मतलब टाइम ही तो हो गया ना। वो तो हम टाइम निकाल रहे हैं, सारी चीजें निकाल रहे हैं, उसका रेट कॉन्स्टेंट निकाल रहे हैं, उसकी रेट निकाल रहे हैं। जब सारी चीजें हम उसकी निकाल सकते हैं तो इसलिए उसके उसके काइनेटिक्स के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। बट फॉर द फास्ट रिएक्शन की जब कोई भी रिएक्शन होने में लेस देन सेकेंड्स लगे, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? हाउ कैन यू कैलकुलेट योर देयर रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट एंड सो मेनी काइनेटिक पैरामीटर्स which will need to require for information regarding the chemical reactions। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें माइक्रो सेकेंड्स में नहीं मिल सकती, तो उनके लिए कुछ मेथड्स काम में लिए गए। तो अभी जो अपन स्टॉप फ्लो मेथड पढ़ रहे थे उससे स्टॉप फ्लो मेथड देखिए ये आपके सामने है। स्टॉप फ्लो मेथड कल उसकी मेरे वो क्या कहते हैं उसको कैलकुलेशंस बता दीजिए, उसके बारे में कुछ और चीजें जो अपने को उसके इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है उसके बारे में हमने देखी। देखो अगर आपको कल को स्टॉक फ्लो मेथड एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, पहले स्टॉक फ्लो मेथड के बारे में इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उसके बाद में उसकी जो थ्योरी है उसकी जो कैलकुलेशन है जो मैं पहले ही कर चुका हूँ वो बता दीजिए। समझ में आ गया स्टॉक फ्लो मेथड में होता क्या है, उसका डायग्राम है ये आपके सामने डिस्प्ले द होल पार्ट्स ऑफ स्टॉक फ्लो मेथड। देखिए क्या है, समटाइम द फर्स्ट डिफिकल्टी कैन बी सरमाउंटेड बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स फॉर ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट्स वेरी रैपिडली टू द रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहना चाह रहा है हालांकि स्टॉक फ्लो मेथड इज नॉट ए गुड मेथड फॉर स्पेशली इन द केस ऑफ फास्ट रिएक्शंस, रिलैक्सेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुटेबल मेथड फॉर फास्ट रिएक्शंस। लेकिन स्टॉक फ्लो मेथड भी हमें पढ़ाना है। स्टॉक फ्लो मेथड की क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, दोनों को मिक्स करना है, तो मिक्स करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो क्या कह रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वेरी रैपिडली उसको बहुत फास्ट मिक्स करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अरे अगर एक जनरल रिएक्शन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज दीज आर मोर फास्ट रिएक्शंस। आप समझ मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, फास्ट रिएक्शन में क्या है कि उनको जल्दी से मिक्स करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करते करते ही पता लगा प्रोडक्ट तो बन चुका, तो आप कैसे उसके काइनेटिक पैरामीटर के बारे में पता कर पाएंगे। तो इसलिए कहना जा रहा है कि उनको मिक्सिंग देम वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली का मतलब बहुत फास्ट मिक्स करना भी बहुत बड़ा इशू है। विद द यूज ऑफ कन्वेंशनल टेक्निक्स इट इज नॉट पॉसिबल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने तरीकों से, पुराने तरीकों से अगर इनको मिक्स करने बैठेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स वेरी रैपिडली इन इंस्ट्रूमेंट टू गेट काइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शंस। अपन कह सकते हैं इट टेक्स फ्रॉम सेवरल सेकंड्स टू ए मिनट टू ब्रिंग सॉल्यूशन टू ए रिएक्शन वेसल। मतलब अगर आप कन्वेंशनल टेक्निक से इनके बारे में पता करेंगे या इनको मिक्स करेंगे तो ये सेकंड से लेकर के मतलब मिनट तक ले लेती है, जबकि रिएक्शन तो लेस देन सेकंड में कंप्लीट हो रही है। समझ आया? इट टेक्स लेस देन सेकंड्स, इट टेक्स माइक्रो सेकंड्स। तो अगर आपको मिलाने में ही उनको सेकेंड टू मिनट लग रहा है तो इज इट नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू
कैलकुलेट द ऑल पैरामीटर्स व्हिच यू आर ओके, तो अपन कह सकते हैं कि दिस टाइम कैन बी रिड्यूस ग्रेटली बाय यूजिंग ए रैपिड फ्लो. इसको इस टाइम को मतलब मिलाने का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है भाई रैपिड फ्लो जो अपन ने कल लास्ट में पढ़ा था. रैपिड फ्लो मेथड था ना, इधर से हम डाल रहे थे उधर से प्रोडक्ट निकल रहा था उसकी रेट कैलकुलेट करनी है नॉन दैट एंड फ्लो टैक्स आपको ओपन एनवायरनमेंट फॉर रैपिड. लेकिन ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है रैपिड फ्लो से अच्छा एक कौन सा मेथड है, स्टॉप फ्लो मेथड. हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो कौन सा मेथड डिस्कस किया था, रैपिड फ्लो मेथड डिस्कस याद आप लोगों को. इधर से इंटैक्ट कर रहे थे लिप्टन्स का बाहर प्रोडक्ट निकल रहे थे देन देयर कैलकुलेशंस. ये कह रहा है कि वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है लेकिन स्टॉप फ्लो मेथड इज मोर बेटर देन रैपिड फ्लो मेथड. ओके तो इसके बारे में ये क्या कह रहा है, वन मेथड इज द स्टॉप फ्लो टेक्निक शोन स्केमेटिक इन 2.7 मतलब इसमें ये शो किया गया. अब आप इसको समझिए इसमें क्या है. देखो ये रिजर्वायर सिरिंज है, यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, मैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको समझा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा. ये सिरिंज है ए और ये दूसरी सिरिंज है बी. सिरिंज होती है ना इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है उस टाइप वो नाम है सिरिंज, बाकी इतनी छोटी नहीं होती है सिरिंज, बहुत अलग टाइप की होती है. तो इसमें रिएक्टेंट को ए को भर दिया जाता है, इसमें रिएक्टेंट अलग अलग क्योंकि इनको मिक्स करना है, दोनों को भर दिया और उनको हाई प्रेशर पे. देखो ये ए वाली जो ट्यूब है वो यहाँ जुड़ रही है और बी सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा ये बी है ये बी है ठीक है. ये ए वाला इसमें आ रहा है बी वाला इसमें आ रहा है, दोनों को मिला दिया हाई प्रेशर से, बहुत ही गजब का प्रेशर यूज किया जाता है सिरिंज का. मतलब ये होता है कि आप सिरिंज को जोर से दबाओगे तो प्रेशर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा. दोनों को फिर यहाँ पे दोनों इस ट्यूब में आ रही है डिवाइस को ड्राइविंग सिरिंज. डिवाइस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है ए और बी से, इसमें से आपने ए केमिकल और बी रिएक्टेंट दोनों इसमें डाले, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ से ड्राइव सिरिंज का मतलब बहुत प्रेशर दिया जाता है जिससे कि दोनों एक साथ स्पीड से जाकर के इसके अंदर मिलेंगे मिक्सिंग जेट में. मिक्सिंग जेट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे दोनों को मिला, अरे जब ए और बी मिलेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मुझे इनको लेस देन सेकंड्स में मिलाना है. अपन कहते हैं कि चाय में चीनी घोलना है, नींबू पानी में सिकंदरी में पानी नमक घोलना है, नींबू घोलना है, पानी चीनी घोलना है, तो टाइम लगता है वैसे, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत प्रेशर से जल्दी से जल्दी इनको मिक्स करना है जिससे कि फिर ये दोनों मिक्स होकर इसमें जाती है क्यूबेट. क्यूबेट का मतलब जानते हैं, क्यूबेट होती है एक छोटी सी डिब्बी टाइप में, मतलब छोटा बॉक्स मान सकते हैं क्यूबेट, उसी को बोलते हैं. हम यूज करते हैं फोटोमीटर में काम में क्या करते थे जब हम प्रैक्टिकली करते थे, क्यूबेट होता है. क्यूबेट के बाद में ब्लॉक में जाती है, आगे जाकर के रिएक्शंस होती है. और ये फोटो मल्टीप्लायर है जो यहाँ पे आगे काम आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन बन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, मतलब उसके बारे में. लेकिन ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को समझाया, ये पोर्शन क्या है टू मिक्स दैट बोथ ऑफ रिएक्ट, क्लियर है. अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ये मैंने आपको बताई. अब देखो ये डिजाइन किया गया है फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सबस्टेंस इन द सॉल्यूशन. मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को जो मैंने भी आपको लोगों को दिखाया, इसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिसमें दो रिएक्टेंट अलग अलग आपस में मिक्स हो, मिक्स हो करके रैपिडली मिक्स हो, बहुत ही फास्ट मतलब बहुत ही कम टाइम में मिक्स हो और मिक्स हो करके जो प्रोडक्ट बनता है उससे पहले पहले मिक्स हो. समझ आ रहा है क्या, प्रोडक्ट बनने से पहले पहले दोनों मिक्स हो. इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया. ए सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द सबस्टेंस इज मेंटेन्ड इनिशियली इन द सिरिंज. ये मैं आप बता चुका हूँ आप लोगों को, वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन को सिरिंज ए में रखा जाता है, दूसरे को सॉल्यूशन को किस पे रखा जाता है, बी में रखा जाता है. The plungers of the syringe can be forced into rapidly. Plunger का मतलब होता है कि उनको स्पीड से मतलब आगे की तरफ धकेलना जिससे कि वो मिक्सिंग जेट में जाकर के एक दूसरे में क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है. ये आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मतलब ये जो उस बुक में लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखे, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, क्योंकि आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया, आपको कहानी समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है, यू कैन यूज योर ऑन लैंग्वेज, दिस इज मोर बेनिफिशियल देन दिस बुक लैंग्वेज. अपन ये कह सकते हैं उसके बाद में फटाफट उसके अंदर क्या हो जाएगी मिक्स. दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द सिस्टम
is the internal part of this diagram. उससे अपने को मतलब नहीं है. With a suitable design of the mixing chamber, it is possible to mix two sections coupling in 0.001 second. मतलब it has to be designed in such a way that the two mixer, two reactant component mixed in less than 0.0001 seconds. मतलब 10^-3 seconds. समझ आ गया इस पैराग्राफ का मतलब कि 10^-3 seconds में ही वो ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं. बिकॉज प्रोडक्ट बनने में सेकंड से भी कम लगते हैं. तो ये 10^ मतलब 1/1000 गुना कम टाइम में मिक्स हो रहे हैं. सेकंड के 1/1000 गुना टाइम कम टाइम में मिक्स हो रहे हैं. तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट कब बनेगा उस चीज को पकड़ सकते हैं. समझ में आ रही है ना. मेरा मेन मुद्दा ये था कि अगर मिक्सिंग में इतना टाइम लग जाए कि जिससे पहले प्रोडक्ट बनना शुरू है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट एनी डाटा रिगार्डिंग द काइनेटिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो ये इसकी कैपेसिटी है कि ये 10^-3 सेकंड्स में 10^-0.001 का मतलब होता है 10^-3 सेकंड्स में मिक्स कर दे इन स्टॉप फ्लो and the rapid flow system has not a powerful capacity or equal capacity of the stock flow method. मतलब stock flow method इतनी capacity उसके पास नहीं. rapid flow जो करने का है तो मतलब ये use better techniques day by day. जैसे कल अपने rapid flow system पढ़ा था, stock flow system पढ़ रहे हैं. ये अपन relaxation method पढ़े हैं. ये more convenient and more suitable and more very fast technique compared to स्टॉक फ्लो मेथड और रैपिड फ्लो मेथड. ठीक है, इनकी कंपेटिटिवली बहुत अच्छी टेक्निक होगी. वो आगे पढ़ेंगे एंड देन इट इज काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल मॉडर्न डेज के अंदर वही यूज की जाती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी डाटा रिगार्डिंग एनालिटिक्स ऑफ पास्ट रिएक्शंस. समझ आ गया. तो इसको कह सकते हैं कि सॉल्यूशन पास इनटू वन सिंगल रिएक्शन मिक्सर समटाइम द रिएक्शन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन. ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब इतना सा निकलता है कि अगर दो सीरीज के अंदर ए एंड बी को लेना दिया जाता है और उसके में इस तरीके से ड्राइविंग फोर्स यूज किया जाता है कि जो ट्यूबलेट के अंदर जो मिक्सचर बनेगा वो 10^-3 सिस्टम 10^-3 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर उसको मिक्स कर देगा और उसके बाद में आगे की प्रोसेस हो जाएगी. ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ. इफ ए रिएक्शन इज रैपिड इट इज नेसेसरी टू एम्प्लॉय एनालिटिकल टेक्निक्स दैट अलाउ रिपोर्ट्स टू बी ऑब्टेंड इंस्टेंटेनियसली. मतलब क्या है कि ठीक है ये पार्ट इट इज इनिशियल पार्ट ऑफ दिस mechanism of these methods. The initial part, the first part, that we have to mix it in very low time. And then second part, what is that we have to do analysis. And our main mudda is to mix it in a little line. This is the initial part. The main issue is the main object. I am saying the main target, the objective is what is कि हमें इस रिएक्शन की डाटा का एनालिसिस करना है, इसकी हाफ लाइफ निकालनी है, इसका रेट कांस्टेंट के निकालना है, इसकी रेट निकालना है, इस अभिक्रिया का वेग निकालना है, इसका वेग मेटांग निकालना है, इसकी अर्बाइल करनी है, ये सारी चीजें तो निकालनी है, मेन तो इसीलिए तो यूज कर रहे हैं. सो एनालिटिकल टेक्निक्स इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय का मतलब पता करना, एनालिटिकल टेक्निक दैट अलाउ रिपोर्ट्स टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियसली. मतलब हमें उसमें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी तैयार रखने हैं जो हाथों हाथ मिक्सिंग होने के बाद में जैसे ही प्रोडक्ट बने तो वो प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट से कितने समय में बन रहा है ये ऑब्जर्व कर सके. मैंने बताया ना माइक्रोसेकेंड्स में काम होना है. तो मिक्सिंग होने के बाद में कितनी देर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उसको एनालिसिस कर सके, वो भी उसमें होता है. फॉर रिएक्शन इन सॉल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स मे बी एम्प्लॉयड. फोटोमेट्रिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पेक्ट्रम जैसे मैं कहती थी जो अपन ये जैसे जिस तरह से पढ़ाई यार स्पेक्ट्रम वगैरह काम में लेते हैं इंडिया में जो पीक बता देते हैं. जैसे मान लीजिए समझिए इस बात को कि ये चैम्बर है जिसके अंदर मिक्सिंग हो चुकी है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये बात ध्यान से सुनिए, जब तक ये सारे काम हालांकि बहुत ही कम सप्लाई में होते हैं लेकिन जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक उसके अंदर रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट का कोई केमिकल फॉर्मूला है, रिएक्टेंट की कोई स्ट्रक्चर है,
उसका कोई कॉम्पोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी पीक आनी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड्स में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसीलिए तो होता है कि वो किसके बीच में तरंग बना रहा है, चाहे वो एब्जॉर्बेंस और कंसेंट्रेशन के बीच में बना रहा है या पोटेंशियल और कंसेंट्रेशन के बीच, जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अपन काम में लेते हैं। अरे भाई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पोटेंशियल पोटेंशियोमेट्री भी हो सकती है, पोटेंशियल और कंसेंट्रेशन के बीच में कर्व बनाए, आपने प्रैक्टिकल भी करे ऐसे, और या फिर उसकी कंडक्टेंस और कंसेंट्रेशन के बीच में बनाए, या मैं कह दूँ कि एब्जॉर्बेंस बी आर नंबर लो पढ़ते हैं अपन, एब्जॉर्बेंस और उसकी कंसेंट्रेशन जो भी कर्व है उससे मुझे नहीं मतलब है। तो उसकी जो पीक आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, रिएक्टेंट की वजह से आ रही है बिफोर द रिएक्शन, जब तक प्रोडक्ट नहीं बना तब तक वो पीक किसकी वजह से आ रही है, रिएक्टेंट। समझ रहे इस बात को, मैं बहुत ही सीधे और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जब तक रिएक्टेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन द पीक व्हिच इज ऑब्जर्वड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ओनली बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, एंड व्हेन रिएक्टेंट पार्टिकल्स that convert into product, then there will be a production of product molecules. So, अब जब product molecule बनेंगे तो उनका chemical composition दूसरा होगा, उसकी chemical structure दूसरी होगी, तो जो peak आएगी वो उसकी different आएगी। तो जैसे ही मुझे spectrophotometer को मैं दोबारा शुरू से ले रहा हूँ, इस spectrophotometer में जो peak आ रही थी वो पहले किसकी वजह से आई थी, reactant की वजह से आई थी। तो दूसरी peak जब observe होगी different type की peaks within seconds में, वो किसकी वजह से होगी, प्रोडक्ट की वजह से होगी। तो व्हाट द टाइम टाइम ड्यूरेशन इन विच देयर टू पीक्स, फर्स्ट इज ड्यू टू रिएक्टेंट, सेकंड इज प्रोडक्ट। तो जब तक प्रोडक्ट की पीक उसमें नहीं नजर आएगी हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, इसका मतलब अभी रिएक्शन नहीं हुई है, और जैसे ही प्रोडक्ट की पीक आने लगी इसका मतलब उसमें प्रोडक्ट बना तभी तो पीक आएगी। अरे भाई ये रिएक्टिंग मिक्सचर है, रैपिड मिक्सिंग हो गई बिफोर द रिएक्शन, अब जो पीक आएगी वो किसकी वजह से आएगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वजह से आएगी, बिकॉज़ ऑफ देयर इज ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिक्सर। जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगेंगे तो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर अलग होती है, उसका केमिकल फार्मूला अलग होता है, जैसे मैं कहूँ N2+H2+NH3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो N2 एक अलग चीज है, H2 एक अलग चीज है, इनकी पीक आ रही है, लेकिन जैसे ही अमोनिया बनेगा तो अमोनिया एक अलग चीज है, तो अमोनिया की पीक आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता लग जाएगा कि कितनी देर में ये प्रोडक्ट बना है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि कितनी देर में पीक आई। अब जैसे मान लीजिए, या इसको अपन ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए N2H2 जो है वो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करती है, लेकिन अमोनिया दूसरी वेवलेंथ को यूज करती है उसके मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को, ये तो चीजें होती है। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या काम में लिया, ये क्यूबिट है, यहाँ पे मोनोक्रोमीटर डाला कि नहीं, लाइट सोर्स डाला कि नहीं, अरे लाइट सोर्स के अंदर देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वेवलेंथ आर प्रेजेंट, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग माइक्रोवेव होती है, NMR होती है, UV होती है, कई सारी होती ही नहीं होती है, उसमें से कौन सी रेंज को ये अब्सॉर्ब करता है, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसकी पीक अलग ऑब्जर्व होगी, तो पीक जैसे ऑब्जर्व होगी मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये फलाना कंपाउंड बनने की वजह से इसके अंदर चेंजेस आएंगे कि नहीं, रिएक्शन में चेंजेस आएंगे, पहले अलग पीक दिख रही थी फिर एकदम से अलग पीक दिखने लगी, तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन था, उससे मुझे उसके टाइम के बारे में पता लग सकता है, उसका रेट रेट व्हाट इज द रेट रेट क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, दैट इज द रेट। आपने रेट निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो इसको पढ़ो, इफ द प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब, देखो जो मैंने बोला ना वही आपको इसमें नजर आएगा, इफ द प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब डिफरेंटली फ्रॉम द रिएक्टर, ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंटली अलग रूप से, रिएक्टेंट्स एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ मे बी पास थ्रू द रिएक्शन वेसल, है ना, कि अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, रिएक्टेंट अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें एक मोनोक्रोमैटिक लाइट गुजार लेते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि कितनी देर बाद या कब प्रोडक्ट उसमें बनना शुरू हुआ है। बाय मींस ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस विद सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए रिकॉर्डर और ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। आउटपुट का मतलब आपके सामने की स्क्रीन चल रही है, जब तक उसमें प्रोडक्ट नहीं बना था उसमें अलग टाइप की पीक्स आ रही थी, लेकिन जैसे आपने देखा कि नई टाइप की पीक्स बन रही है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब वो रिकॉर्डर पता बता देगा सारा ये इस पीक से ये पीक आने में कितना टाइम लगा था, कितनी कंसेंट्रेशन में चेंज आया, सारी इसमें पता लग जाएंगे। समय आ रही है ना, तो दीज आर द मॉडर्न टेक्निक, वेरी फास्ट टेक्निक। समय आ रही है ना, मोनोक्रोम लाइट इफ द रिएक्शन इज नॉट टू फास्ट
कि पेन एंड इंक इंपॉर्टेंट भी रिसोर्स ही कहेगी उसके बाद ये वाली चीज समझ में आया सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई। दो ही चीजें स्टॉक फ्लो मेथड के अंदर पहली चीज को क्या है कि सबसे पहली मेन शेयर रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग सीरीज में ले जाते हैं उनको ड्राइविंग फोर्स करके वेरी हाई प्रेशर पे उनको मिक्स कर लेते हैं और ये मिक्सिंग कितने टाइम में होती है अब अपन किसकी बात करते हैं रिलैक्सेशन मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये अभी तो चलो अपने को तो क्या है कि मतलब क्या कहते हैं उसको कि केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट से पढ़ना है कि जब आपको रिलैक्सेशन मेथड पूछा जाएगा आप उसकी एक अच्छी सी थ्योरी दो तीन पेज बना करके डायग्राम वगैरह बना करके आ जाएंगे। लेकिन नेट 11 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं रिलैक्सेशन मेथड से रिएक्शन को चेंज करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा तो अपने को उस पार्ट तक नहीं जाना। लेकिन जैसे मैं जब कोई लेटर की क्लास लेते हैं उस टाइम में बताता हूँ उनके बारे में सारी चीज़ें लेकिन अभी अपने को वहाँ तक नहीं पढ़ना अपने को तो कोई यही करना है कि रिलैक्सेशन मेथड्स क्या है और कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझ समझ आ रहा है व्हाट इज द रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन मेथड सबसे पहले क्या करेगा आपको बताइए सबसे पहले किसकी कमी गिनाएगा किसकी कमी गिनाएगा स्टॉक फ्लो में क्या कमी है सीधी सी बात है ये ऐसे कह रहा है एक क्वेश्चन इसने रखा किसके सामने स्टॉक फ्लो में कि सपोज करो कि एक रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने में 10^-3 सेकंड से भी कम टाइम लगे तो क्या करोगे आपका तो सारा सिस्टम ही फैल गया क्योंकि आपको दोनों को मिक्स करने के लिए कम से कम 10^-30 सेकंड तो चाहिए ना। ये देखो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन आप सोच के देखो एक सेकंड कितनी देर में हो जाती है 10^-30 सेकंड बहुत कम है। लेकिन क्या कह रहा है ये कि एक रिएक्शन है जो 10^-6 सेकंड लेती है कंप्लीट होगी 10^-6 सेकंड का मतलब जानते हो 1000 गुना और कम होगी -6 मतलब 1/10 लाख एक तरीके से हो गया कि नहीं हो गया 10^-6 सेकंड ही लेती है रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो तुम क्या करोगे फिर क्योंकि तुम्हें 10^-3 उससे ज्यादा टाइम तो आपको मिलाने में चाहिए उसको इतनी देर में तो रिएक्शन काम कर रहा है कि खत्म हो जाएगी बैठ जाएगी आराम से तो फिर कहां से पता लगाओगे तुम उसकी काइनेटिक्स के बारे में समझ आ रही है ना। एग्जाम्पल दिया उसने ये देखो मैं बताया था तब मैंने आपको जब उसका एग्जाम्पल बताया था अम्ल क्षारा अभिक्रिया तो आई है H+ OH-2H2O जिस अभिक्रिया को होने में केवल कितना टाइम लगता है 10^-6 सेकंड्स कैसे होगी स्टॉक फ्लो में नहीं हो सकती मतलब सिस्टम क्या हो गया फिर ये कह रहा हम करा देंगे इसको रिलैक्सेशन मेथड क्या कह रहा है कि हम करा देंगे इसको कैसे करा देंगे देखिए किसने फिर उल्टा दिया द फ्लो टेक्निक्स The flow techniques just described are limited. Sorry, phone है. क्या नाम होगी तुम्हारा? iPhone. देखिए, ये क्या कह रहा है? इस पैराग्राफ का मतलब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर जो रिएक्शन 10^-3 सेकंड से भी कम लेगी तो फिर आप स्टॉप फ्लो मेथड को यूज करते हुए काम नहीं कर सकते। इस पर आपको मतलब नहीं है उसने एक एग्जांपल भी दिया कि द न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रांग एसिड बाय स्ट्रांग बेस दैट इज द रिएक्शन जो मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल दिया था ना कि एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस होती है तो ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एज ए हाफ लाइफ ऑफ 10^-6 सेकंड्स उसको मिलाने के लिए 10^-3 चाहिए 10^-3 बड़ा होता है 10^-6 छोटा होता है उल्टा चलता है ना माइनस में एंड इट्स रेट देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर बाय एनी टेक्निक involving the mixing of solutions. इसको आप इसकी kinetics को किसी भी टेक्निक के थ्रू क्या नहीं कर सकते कैलकुलेट नहीं कर सकते समझ आया भी सब लोगों को तो these technical problems were overcome by the development of a group of methods known as relaxation methods. ये क्या कह रहे हैं
कि इस टाइप की रिएक्शंस की काइनेटिक्स वी कैन कैलकुलेट बाय द रिलैक्सेशन मेथड टाइप ऑफ टेक्निक्स. एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन मेथड्स? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सरप्राइजिंग टेक्निक. द पायनियर वर्कर इन दिस फील्ड मैन फ्रेड आइगन, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच डेवलप दिस टेक्निक. दीज मेथड डिफर फंडामेंटली फ्रॉम द कॉम्बिनेशनल काइनेटिक मेथड. ठीक है, उससे थोड़े से अलग है. ये क्या कर रहा है इसमें देखो कितना शानदार दिमाग लगा. एक बार इसको लीव कर दो, फिर वापस से मिलते हैं.